प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक निजी अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया तथा बेतिहाता स्थित चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्र पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन सहित अन्य लोगों द्वारा टीका लगाकर बच्चों को लड्डू बांटा गया। इस अवसर पर कुष्ठ आश्रम में राशन का पैकेट भी वितरित किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया और इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, एवं भैया तस्वीर ठीक जा रहा है, तस्वीर तस्वीर जा रहा है ना, सामान गिला था ना इसलिए थोड़ा सा आपको ठीक देखना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के अंदर 70 वर्षों में बहुत सारे ऐसे गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी जो इस देश के लोगों ने कभी को पूरा नहीं हुआ। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गरीबों को चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हो या ऐसे 40 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट खोलने करके उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने का मामला हो या इस देश में ऐसे माताओं और बहनों के आंसुओं को पोंछने के लिए उज्ज्वला गैस योजना का कनेक्शन देने का मामला हो या लाखों गाँवों में जो विद्युत कनेक्शन नहीं थे उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने का मामला हो या ऐसे गरीबों को आयुष्मान भारत कार्ड की योजना से उनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का मामला हो, इस प्रकार अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और यही कारण है कि आज पूरा देश मोदी जी के 71वें जन्मदिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज गोरखपुर में भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस प्रकार के बहुत सारे अभियानों को लेकर के सेवा के काम को लेकर के अभी हम लोगों ने इस शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों के माध्यम से एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया है और यहाँ हमारे पुष्पदंत जैन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष जी और सारे प्रमुख लोग मिल करके यहाँ चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में अभी उन्होंने कुछ यहाँ पर देने का काम किया है। अभी गोरखपुर में खाद्य सामग्री देने का काम किया है। अभी गोरखपुर में ही हम लोग एक अलग स्थान पर जा रहे हैं जहां 71 किसानों को सम्मान का कार्यक्रम भी होगा, 71 जवानों का भी सम्मान का कार्यक्रम इस अभियान के तहत हम लोगों ने लिया है और सबसे बड़ा कि कोई खून के अभाव में कोई रोगी रह न जाए, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में
कम से कम 71 युवाओं के माध्यम से ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होगा और कल गोरखपुर में भी 71 युवा ब्लड डोनेट करेंगे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज स्वयं उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे और इस प्रकार के बहुत सारे चाहे सेवा बस्तियों में कुछ खाद्य सामग्री बांटने का अभियान हो या बहुत सारे इस प्रकार के सेवा का के कार्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस को हर्षोल्लास के साथ मना रही है और उसी अभियान में हम सब यहाँ आए थे।